अनमोल हिंदी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरेश और मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं बायोकॉस ब्यूटी क्रीम का रिव्यू करने वाला हूं, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी। लेकिन ये क्रीम टेस्टिंग में होने से इसके रिव्यू में काफ़ी देरी हो गई है, लेकिन फाइनली आज मैं बायोकॉस ब्यूटी क्रीम का रिव्यू देने वाला हूं, जो काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है स्किन वाइटनिंग के लिए। तो बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आती है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है, जिसे मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है, जिसे जल्दी से पूरा करवा देना। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह है बायोकॉस ब्यूटी क्रीम, जो कि एक पाकिस्तानी क्रीम है, जिसे इंडिया में ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइटों पर ऑनलाइन सेल किया जाता है। दोस्तों, इसका प्राइस तो मुझे यहां कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वहीं इस साइड में उर्दू में कुछ लिखा है जो मुझे तो नहीं आती है। अगर आपको आती है तो आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। दोस्तों, ये 30 ग्राम का क्रीम है, जिसका प्राइस 200 से 500 रुपये के बीच में रहता है, जो आपको इंडिया में अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। वहीं आप यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, जिसमें केरानुबा वैक्स, कोजिक एसिड, बीस वैक्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट, सनस्क्रीन एजेंट और प्रजर्वेटिव है। दोस्तों, इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए बनाया गया है। मैंने भी ये क्रीम टेस्ट की है और वाकई ये 15 से 20 दिनों में स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये क्रीम हमारे स्किन के लिए सेफ है, क्या इसे यूज़ करना चाहिए? यही सब सवालों का जवाब मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये क्रीम कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। ये क्रीम इस येलो कलर के राउंड प्लास्टिक कंटेनर में आती है, जिसके बाहर बायोकॉस क्रीम की प्लास्टिक सील लगी रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये सील लगी रहती है बायोकॉस क्रीम की, जिसे अब हम निकाल लेते हैं और ये क्रीम भी आपको दिखा देते हैं कि ये अंदर से कैसी है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये क्रीम वाइट एंड हल्के येलो टाइप की रहती है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग परफ्यूमी खुशबू आती है, जो काफ़ी अच्छी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये क्रीम वैसे पूरी ऊपर तक भरी रहती है, लेकिन इसे मैंने टेस्ट किया है, इस वजह से आपको ये खाली लग रही होगी। दोस्तों, इसे स्किन में लगाने पर इसे स्किन में अब्जर्व होने में काफ़ी टाइम लगता है, आपको ज़्यादा मसाज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये क्रीम स्किन में जल्दी से घुलती नहीं है। इसे वैसे रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाना रहता है और अगले दिन चेहरे को वॉश कर लेना रहता है। आप देखेंगे कि चेहरे पर एक अद्भुत ग्लोइंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस क्रीम के इस्तेमाल से चेहरा गोरा और सुंदर तो बनता है, लेकिन आप जैसे ही इसे लगाना छोड़ देते हैं तो चेहरा फिर से वापस काला बन जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी कंपनी का दावा है ये क्रीम स्किन के लिए एकदम सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, प्लस ये हानिकारक पदार्थों से मुक्त क्रीम है। आपको मैं इनकी ये पैम्पलेट भी दिखा देता हूँ। ये इनकी पैम्पलेट्स है, तो आप इसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में इस क्रीम के बारे में बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि अर्बुटिन, विटामिन ई और B5 जैसी इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम में डाली गई है। तो जब हम इसे लगाना छोड़ देते हैं तो चेहरा फिर से काला क्यों हो जाता है? दोस्तों, मैं सच बोलूं तो ये क्रीम सेफ नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हानिकारक इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, जिसे इनकी कंपनी ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जो बहुत बड़ा धोखा है। मैंने इसे टेस्ट किया है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें स्टेरॉइड, हाइड्रोक्विनोन या मर्क्यूरी जैसे कुछ हानिकारक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसे इनकी कंपनी ने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। दोस्तों, ये चेहरे को पहले गोरा करता है, जब आप इसे लगाना छोड़ देते हैं तो ये चेहरे को फिर से काला कर देता है। कुछ कुछ ये स्किन लाइट क्रीम से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी कंपनी इसे सेफ क्रीम कहकर बेच रही है, वो गलत है।
दोस्तों मुझे नहीं लगता ये क्रीम सेफ है, ये मेरी राय है। बाकी बहुत से लोगों ने इस क्रीम के ऊपर अपने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं जो सरासर गलत है, झूठे हैं। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस क्रीम को लगाकर देख सकते हैं। इसे लगाने पर ही चेहरा गोरा रहता है, छोड़ दोगे तो चेहरा फिर से काला हो जाएगा। ये बात सही है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इनकी कंपनी ने मेंशन किए हैं, जो ये क्रीम के इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, वो एकदम सही है, सेफ है। लेकिन क्रीम में कुछ हानिकारक इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं जिसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वो गलत है। दोस्तों मैंने इसे एक महीने से भी ज़्यादा टेस्ट किया है और मुझे नहीं लगता कि ये क्रीम सेफ है। बाकी आपके ऊपर है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि न्यू प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।